बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अबीज़ किचन। आज रमज़ान स्पेशल में बहुत ही सुपर क्रिस्पी पकौड़ों की रेसिपी आपसे शेयर करूंगी। और ये सुपर क्रिस्पी पकौड़े बनाने के लिए क्या स्पेशल ट्रिक है, इसके लिए आपको मेरी आज की रेसिपी पूरी देखनी है। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और मेरे चैनल पर नए हैं तो अभी मेरे चैनल अबीज़ किचन को सब्सक्राइब करें, मेरी रेसिपीज़ को लाइक करें और शेयर करें। तो चलें हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इस रेसिपी के लिए मैंने एक बोल लिया है और अब इसके अंदर एक कप बारीक कटी हुई पालक, जिसे मैंने वॉश कर लिया था, डाल दिया है। इसके साथ ही दो मीडियम साइज़ के पोटैटो यानी आलू, इसको भी मैंने बारीक चिप्स की शेप में काट कर डाल दिया है। और अब इसके अंदर हम कुछ मसाले शामिल करेंगे। एक ग्रीन चिली जिसे मैंने चॉप कर लिया था 1 टीस्पून शामिल कर दिए हैं। सुरख मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून शामिल कर देंगे। इसके साथ हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून शामिल कर देंगे। और अब इसके अंदर कुटा हुआ ज़ीरा 1 टीस्पून शामिल कर देंगे। 1/4 टीस्पून क्रश कीवी अजवाइन शामिल कर देंगे। इसके साथ ही 1 टेबल स्पून साबुत धनिया, जिसे मैंने क्रश कर लिया था, शामिल कर दिया है। और अब इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। और अब इसमें हसबे ज़ायका नमक शामिल कर देंगे। इसके बाद इसे मैं मिक्स कर लूँगी और 6 to 7 मिनट्स के लिए छोड़ दूँगी ताकि इसमें से पानी रिलीज़ हो। इसके बाद मैं इसका आगे का प्रोसेस करूँगी। सिक्स मिनट कंप्लीट हो गए और अब इसे मैं चेक कर लूँगी। आलू और पालक ने अपना पानी रिलीज़ किया है और ये थोड़े सॉफ्ट हो गए। और इसे मैं मिक्स कर लूँगी और इस स्टेज पे इसके अंदर 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा शामिल कर दूँगी। बेकिंग सोडा शामिल कर दिया है। इसके साथ ही इसके अंदर तकरीबन 1 कप बेसन थोड़ा थोड़ा करके शामिल करेंगे। बेसन डालकर इसे मिक्स करते जाएंगे ताकि एक एक आलू के स्लाइस और पालक पर बेसन कोट हो जाए। और यही हमारी आज की ट्रिक है जिससे ये पकौड़े सुपर क्रिस्पी बनेंगे। आप देख सकते हैं कि पालक और आलू का अपना मॉइस्चर है, जिससे मैंने बेसन को इस पर कोट किया है। इसमें मैंने अभी तक कोई एडिशनल पानी ऐड नहीं किया। और इस स्टेज पे मैं इसके अंदर 1 से 2 टेबल स्पून पानी शामिल करूँगी और इसे मज़ीद मिक्स करूँगी। इसमें 1 से 2 टेबलस्पून पानी शामिल कर दिया है और अब इसे मैं मिक्स कर लूँगी। और इस तरीके से हमारा ये पकौड़ों के लिए मिक्सचर रेडी हो चुका है और अब इसे मैं फ्राई करूँगी। तो चलें हम ऑयल रेडी कर लेते हैं। एक पैन ले लिया है और इसके अंदर मैंने ऑयल शामिल कर दिया है। ऑयल के गर्म होने पर मैं इसके अंदर पकौड़े डालती जाऊँगी और इसे फ्राई करती जाऊँगी। और ऑयल का टेम्परेचर मैंने मीडियम टू हाई रखा है। पकौड़ों का मिक्सचर ऑयल में डालते वक्त इस बात का ख्याल रखें कि इसे टाइटली पैक या रोल नहीं करना। इसे लूजली खुले हाथों से थोड़ा थोड़ा मिक्सचर करके डालते जाएंगे और पकौड़े तलते जाएंगे। पकौड़ों को हम मीडियम फ्लेम पर फ्राई करते हैं, लेकिन आलू पालक के पकौड़ों को आपने मीडियम टू हाई फ्लेम पर कुक करना है। जब ये पकौड़े सुपर क्रिस्पी बनकर रेडी होंगे, पकौड़ों को आपने बीच बीच में हिलाते रहना है ताकि पकौड़े इवनली कुक हो जाएं। और जब इनका कलर गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो इन्हें हम डिश आउट कर लेंगे। पकौड़े परफेक्टली कुक हो चुके हैं और अब इसे मैं डिश आउट कर लूँगी। लीजिए व्यूवर्स, हमारी आज की सुपर क्रिस्पी सुपर डिलीशियस रेसिपी आलू पालक के पकौड़े इज़ रेडी टू सर्व। आई होप मेरी आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। और आपने देखा कितनी आसानी के साथ ये रेसिपी कुछ इंग्रेडिएंट्स के साथ बनकर रेडी हुई है। और यकीन करें, इसका टेस्ट और इसका क्रिस्प बहुत ही सुपर है। एक दफ़ा इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है और अपना फीडबैक देना है कि मेरी आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी।
रेसिपी पसंद आए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।